हाँ जी दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित है अपन एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा आपको पता है कि अपना प्रदीप्ति का चैप्टर चल रहा था और उस प्रदीप्ति के चैप्टर में अपन ने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर लिए हैं, शुरुआत के इंट्रोडक्शन और प्रदीप्ति के नियम वगैरह सब कुछ देख लिया है। आज जो है अपन लैंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में अपन ने उदीप्त लैंप को पढ़ लिया था, यानी इनकैंडिसेंट लैंप के प्रकार और उसकी कार्य प्रणाली को समझ लिया था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो गैस डिस्चार्ज लैंप के प्रकार है। मैं आपको बता दूं कि गैस डिस्चार्ज लैंप के जो है दो प्रकार है। ये दो प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला आता है सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप ये जो आज अपन पढ़ने वाले हैं ये सोडियम वेपर लैंप ही है। और इसके अंदर जो दूसरा प्रकार आता है वो है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप के भी दो प्रकार होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। ये दो टाइप्स होते हैं। तो ये आगे की क्लास में अपन देखने वाले हैं। आज अपना जो टॉपिक है ये गैस डिस्चार्ज लैंप का जो पहला टाइप होता है सोडियम वेपर लैंप, ये अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम वेपर लैंप जो है ये गैस डिस्चार्ज लैंप का ही एक प्रकार है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि सोडियम वेपर लैंप जो है, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, ये डायग्राम सोडियम वेपर लैंप का ही है। इसकी मैं पूरी आपको संरचना और इसके भागों के बारे में बता दूं आपके लिए। यहाँ पे जो है इस सोडियम वेपर के लिए, यानी इसको प्रचालित करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है और ये ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ा के आउटपुट में देता है, वो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। और यह ट्रांसफॉर्मर हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी उच्च प्रतिघाती वाला जो है ये ट्रांसफॉर्मर होता है। और इसके ट्रांसफॉर्मर से पहले जो है इसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। इनकी कार्य प्रणाली अपन समझेंगे कि ये क्यों लगाए जाते हैं। उसके बाद में ये जो है इसमें एक केप लगा होता है जो होल्डर में फिक्स करने के लिए आते हैं। होल्डर के लिए जो है अपन ने वायरिंग वाले चैप्टर में क्लासे लगा रखी है, तो आप वहां से जाके वो भी देख सकते हैं कि होल्डर कितने टाइप्स के होते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं कि होल्डर जो है वो मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एडिसन टाइप के होल्डर, एडिसन प्रकार के होल्डर, और दूसरे होते हैं बायोनेट केप वाले होल्डर। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो ये इसके जो है केप लगा होता है जो एक मिनट, इसमें बायोनेट केप लगा होता है जो होल्डर में फिक्स करने के लिए यूज होता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो है इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड बड़े होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो है किस धातु के होते हैं? टंगस्टन धातु के ये इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो इसमें सोडियम वेपर लैंप में टंगस्टन के ये इलेक्ट्रोड बने होते हैं। इसके बाद में ये इसमें एक नलिका है जो यू आकार की बनी हुई होती है, और इसको जो है निर्वात कर दिया जाता है। इसमें हवा नहीं रहती है, इसमें किसी प्रकार की गैस नहीं रखी जाती है। ये दोहरी परत वाली एक कांच की ट्यूब होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस ट्यूब के अंदर की तरफ ये जो बाकी का खाली हिस्सा बच रहा है इसको भी निर्वात बना दिया जाता है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ट्यूब होती है जिसको भी यू आकार में बनाया जाता है। और इसके अंदर जो है सोडियम के क्रिस्टल, यानी सोडियम के दाने, और साथ में नियोन गैस को इसके अंदर भर दिया जाता है, जिसके कारण ये प्रक्रिया करके या आपस में क्रिया करके ये प्रकाश उत्पन्न करती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सोडियम वेपर लैंप से कि इसमें जो ये जो अंदर की नलिका होती है इसको यू आकार में क्यों बनाया गया है? तो उच्च प्रकाश उत्पन्न कराने के लिए इस लैंप का प्रकाश, इस लैंप की दक्षता ज्यादा रहे, इसलिए इसकी आकृति को जो है यू आकार में बना दिया जाता है। और इससे क्या क्वेश्चन आते हैं तो अपन इनकी एक एक से चर्चा करते हैं। तो इसकी कार्य प्रणाली अपन समझते हैं। देखो आप कार्य प्रणाली में समझो कि प्रारंभ के अंदर जो है, प्रारंभ में इस लैंप को जो है कितने वोल्टेज दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ में इस लैंप को जो है 380 से 450 वोल्ट जो है वो इस लैंप को प्रदान किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 380 और 450 वोल्टेज तो थ्री फेज की वोल्टेज हो गई, ये अपन कहां से देंगे? तो क्या ये थ्री फेज से प्रचालित होने वाला लैंप है? जी नहीं, बिल्कुल ये सिंगल फेज से ही
या सिंगल पेज एसी सप्लाई से प्रचालित होने वाला ही लैंप है, यानी आपको यहाँ से जो ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं यहाँ से सिंगल फेज एसी सप्लाई कनेक्ट करनी है और उसके बाद में ये सिंगल फेज का एक ट्रांसफॉर्मर लगाना है। ये ट्रांसफॉर्मर जैसा मैंने आपको बताया स्टेप अप प्रकार और हाई रिएक्टेंस वाला होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर जो है इस यहाँ से सिंगल फेज के वोल्टेज यानी 230 वोल्टेज को जो है 380 और 450 वोल्टेज तक बढ़ा देता है, जिससे ये इसके टर्मिनलों को या इनके इलेक्ट्रोडों को जो है 450 या 380 वोल्टेज के बीच का वोल्टेज इसको प्रदान किए जाते हैं। ये वोल्टेज जब इसको अप्लाई कर दिए जाते हैं तब इसके नलिका के अंदर भरे हुए ये सोडियम के दाने और ये नियोन गैस जो है ये आपस में प्रक्रिया करके या क्रिया करने लग जाती है, जिससे गैस डिस्चार्ज होती है, इसीलिए इसको गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में रखा गया था। तो गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया होने से क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, जिससे ये लैंप धीरे धीरे प्रकाशित होने लग जाता है। इसको जो है ये गैस जो है डिस्चार्ज होने के बाद में इस लैंप का जो वोल्टेज यानी कार्यकारी जो वोल्टेज है वो 110 वोल्टेज ही रह जाता है। अब आप कहेंगे कि ये 380 से 450 वोल्टेज जो है ये घट के 110 वोल्टेज कैसे रह गया, तो मैं आपको बता दूं ये ट्रांसफॉर्मर जो है जब बिना लोड के यानी ये गेज जब डिस्चार्ज नहीं थी तब इसको 380 वोल्टेज प्रदान कर रहा था, जब ये जैसे जैसे गेज डिस्चार्ज होती जाती है उसके बाद में ये ट्रांसफॉर्मर की प्रकृति हाई रिएक्टेंस होने के कारण इसका वोल्टेज घटता जाता है और अंत में आके ये 110 वोल्टेज पर ये लैंप जो है प्रचलित होने लग जाता है। इसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ये ट्रांसफॉर्मर हाई रिएक्टेंस वाला है और आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसको अक्ष L से दर्शाया जाता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये रिएक्टेंस जो है ये पावर फैक्टर में जो है कमी कर देता है या पावर फैक्टर को खराब कर देता है, तो पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे ये एक कैपेसिटर लगाया जाता है। तो ये कैपेसिटर से आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों लगाया गया है, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर से पहले जो है इसमें एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लैंप होते हैं ये कहां कितने वार तक बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लैंप है ये अपने 40 वाट से लेके लगभग 150 वाटेज तक ये लैंप बनाए जाते हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली रूप से ये लैंप जो है 80 वाट में प्रयोग किए जाते हैं और ये कहाँ पे यूज होते हैं 80 वाट वाले लैंप, तो मैं आपको बता दूं कि इन लैंपों का उपयोग जो है वो रोड लाइट के अंदर रोड लाइट के रूप में या रोड लाइट पर या रोड पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए या प्रकाश फैलाने के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इनका प्रयोग बंद हो गया है, वर्तमान में एलईडी ने इनका स्थान ले लिया, तो वहां पे ये ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न ड्रॉप करते थे, खर्च करते थे, इसलिए वहां पे एलईडी आजकल प्रयोग होने लगे। इसके बाद भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोडियम वेपर लैंप से कि ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये कितने वाट है, कितनी दक्षता का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये सोडियम वेपर लैंप जो है अपने 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये कितनी दक्षता का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो 40 से 50 ल्यूमन प्रति वाट के ये जो है दक्षता का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सोडियम वेपर लैंपों की जो है आयु कितनी होती है, तो इनकी आयु जो है इससे क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि इनकी आयु जो है वो 3500 कार्यकारी घंटे होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन रखना है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सोडियम वेपर लैंप के, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा इससे क्वेश्चन केवल एक ही और बन सकता है, वो है कि इस लैंप को किस स्थिति में लगाया जाता है, तो इस लैंप को जो है हमेशा क्षैतिज स्थिति में लगाया जाता है। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्थिति के अंदर इस लैंप को जो है हमेशा कनेक्ट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि इसको हमेशा क्षैतिज में क्यों लगाते हैं, वर्टिकली क्यों नहीं लगाते हैं या ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्यों नहीं लगा पाते, तो इसका कारण यह है कि जब आप इस लैंप को इस प्रकार से यानी वर्टिकल स्थिति में इसको लगा दोगे तो इसके नलिका के अंदर जो सोडियम के क्रिस्टल भरे हुए थे ये सारे क्रिस्टल जाके इसकी नली के अंदर
यहाँ पे नीचे की तरफ जो है एकत्रित हो जाएंगे, जिससे ये इलेक्ट्रोड जो है उन सोडियम के क्रिस्टलों को जो है डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, यानी इस नलिका के अंदर गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न नहीं हो पाती है और अपना लैंप जो है ये प्रकाशित नहीं हो पाता है। तो ये कारण है इसको सेटिंग में लगाने का। तो इसको पूरा अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अपन जो है गैस डिस्चार्ज लैंप का एक टाइप है वो पढ़ रहे हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए अपन ने बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप के दो प्रकार थे, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। लेकिन आज अपन जो गैस डिस्चार्ज लैंप का फर्स्ट टाइप है सोडियम वेपर लैंप वो आज डिस्कस किया है अपन ने। तो इसके अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया है कि आपको जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके प्रारंभ में जो है ये लैंप कितना वोल्टेज लेता है। तो प्रारंभ में ये 380 से 450 वोल्टेज लेता है। ये हाई वोल्टेज क्यों जरूरी है इसको, तो शुरुआत में ये जो सोडियम के क्रिस्टल और नियोन गैस है इसको डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू करने के लिए या गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। तो वो हाई वोल्टेज हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि इसके इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो टंगस्टन के बने होते हैं। ये इसमें ये निर्वात होती है पूरी नलिकाएं, और इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो सोडियम के दाने प्लस नियोन गैस भरी जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और क्या डिस्कस किया अपन ने कि इसका जो कार्यकारी वोल्टेज है वो 110 वोल्टेज रह जाता है। ये 110 वोल्टेज घट के कम किसके कारण होता है, इस हाई रिएक्टेंस ट्रांसफॉर्मर के कारण ये वोल्टेज घट के धीरे धीरे कम होने लग जाता है और अंत में आके 110 वोल्टेज जो है इसमें रह जाते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये लैंप जो है कितने वाट तक के बनाए जाते हैं, तो ये लैंप अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि 40 से 150 वाटेज तक के ये लैंप जो है बनाए जाते हैं। वर्तमान में ये लैंप जो है वो 80 वाट के प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान में ये लैंप जो है 80 वाट के प्रयोग किए जाते हैं। 80 वाट का मतलब ये आपको 80 वाट के लैंप जो है कहाँ प्रयोग होते थे, तो 80 वाट के लैंप जो है ये रोड लाइट के अंदर प्रयोग होते थे। रोड लाइटों में इनका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रोड लाइट पर प्रकाश व्यवस्था में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इस लैंप की दक्षता पूछी जा सकती है, तो इस लैंप की 40 से 50 न्यूमन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है। कार्यकारी आयु पूछे तो 3500 घंटे इसकी कार्यकारी आयु होती है और हमेशा इसको क्षितिज स्थिति में ही लगाना चाहिए। तो ये था सोडियम वेपर लैंप, जो बहुत महत्वपूर्ण लैंप है, गैस डिस्चार्ज लैंप का प्रकार है। तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें से रहा नहीं है। बस आपसे ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं और याद करने हैं, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से इनको फाइट कर सको या अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कर सको। धन्यवाद।